देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य का निधन हो गया, जहां 72 वर्षीय कंचन चौधरी ने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दी कि वो काफी समय से बीमार चल रही थी। वहीं 31 अक्टूबर 2007 को पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुई थी। बड़ी खबर, जहां देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। आपको बता दी कि काफी लंबे समय से वो बीमार थी, जिसकी वजह से कल मुंबई के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि हाल ही में 31 अक्टूबर 2007 को कंचन चौधरी ने अपनी वो सेवानिवृत्त हुई थी, जिसके बाद काफी लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। और मुंबई के निजी अस्पताल में कल उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। एक दुखद खबर प्रदेश के लिए। तो वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महावीर निगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी महावीर, देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी का यहाँ पर निधन हो गया है, क्या कुछ कारण इसके पीछे बताया जा रहे हैं? बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से वो बीमार चल रही थी, क्या कुछ और जानकारी है आपको? बिल्कुल, देखिए देर रात ये सूचना आई कि जो पहली डीजीपी महिला डीजीपी थी कंचन भट्टाचार्य, वो अब नहीं रही हैं। और कंचन भट्टाचार्य के बारे में मैं बताऊं तो वो 1973 बैच की महिला आईपीएस अधिकारी रही हैं, और जिन्होंने की 2004 में इतिहास रचा था और उत्तराखंड की डीजीपी बनी थी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी क्षति है, और वो काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी। और जो खबर आ रही है, क्योंकि हरिद्वार में उनका आवास है, तो वहां उनके शव को लाया जाएगा, वहां उसके बाद क्रिमिनेशन किया जाएगा। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो वो दिल्ली से हरिद्वार के लिए कुछ ही देर में वहां से चलेंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं डीजीपी भट्टाचार्य की, क्योंकि वो पहली महिला डीजीपी रही हैं देश की, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में उत्तराखंड के में जो उन्होंने कार्यभार संभाला था, तो उत्तराखंड के लिए भी एक बड़ी क्षति है। और कंचन भट्टाचार्य जो जिस तरह से एक नेक दिल इंसान भी रही है, साथ साथ महिला पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ एक नेक दिल इंसान भी रही है, कई लोग उनकी जो इंसानियत की बातें हैं, उनकी जो मदद की बातें हैं, वो लगातार यहाँ पर चर्चाएं कर रही हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं तो कंचन भट्टाचार्य ने 2014 में जो आम चुनाव हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से दावेदारी की थी हरिद्वार लोकसभा सीट पर, लेकिन वो तीसरे नंबर पर वहां रही थी। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो उनके बारे में हैं। और इसके अलावा अगर कंचन भट्टाचार्य को 1997 में प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए उन्हें राष्ट्रपति जो पदक है उससे भी नवाजा जा चुका है, तो कह सकते हैं कि देश और उत्तराखंड के लिए काफी बड़ी क्षति है। जी जी महावीर, फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।